ऑडिबल है सभी को? गुड इवनिंग। ओके ओके, चलिए। तो कल हम लोग कार्बन के बारे में चर्चा की थी, हम लोगों ने कार्बन क्या क्या है। चलिए, आज 25 लोग हैं आए हैं अभी तक। नो वाइस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वाइस तो आपको मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आई एम ऑडिबल टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इट्स बीन माई साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? चलिए, ओके। चलिए, क्लास चालू किया जाए फिर। क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए, तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा देखेंगे। केमिस्ट्री की हिस्ट्री, गजब वाली बात है ना। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को देखेंगे कि क्या है, कहाँ से आया। तो देखो, इनिशियल डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब डिफाइन किया गया तो क्या बोला? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग। यानी तो हम ये कह सकते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग। मतलब साइंस का वो ब्रांच जो लिविंग थिंग से ऑप्टेन होने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सब्सटेंस पे स्टडी करता है, उसके साथ डील कर रहा है। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनिशियल डेज में। वैसे ऑर्गेनिक का बेसिक मतलब ही क्या है? लिविंग थिंग, है ना? लिविंग से ऑप्टेन, दैट इज ऑर्गेनिक। तो इनिशियल डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का मतलब क्या था? कि लिविंग थिंग से ऑप्टेन होने वाले सब्सटेंस की स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि उस टाइम ये माना जाता था कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, देखिए अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, या तो पहले आप पूरा पढ़ लो फिर रिप्लाई करो, है ना? या नहीं तो तुम ही पढ़ा लो, मैं चुप बैठता हूं, तुम ही स्क्रीन शेयर कर लो, मैं बंद कर देता हूं, तुम ही पढ़ा लो, बच्चे तुम्हें सही पढ़ लेंगे, है ना? मैं अभी जस्ट हिस्ट्री पे आया हूं, अभी आगे जा रहे हैं, तो उसके पहले ऐसा कोई आंसर नहीं करने जब तक पूछा नहीं जाए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, वी आर गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा कीजिए आप, बट इसका ये मतलब नहीं कि बीच में कहीं से भी कुछ भी डाल देंगे। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो उससे पहले कुछ भी लेकर के मत आइए, है ना? आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, अच्छी बात है, अपने पास रखिए, जरूरत के टाइम यूज कीजिए। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री हमने चालू किया है, स्टडी ऑफ कार्बन तक हम गए नहीं है। तो पहले जो पढ़ा रहा हूं या तो वो पढ़ लो, या नहीं तो तुम्हें जो पढ़ना है उसका लिस्ट बता दो, मैं वही पढ़ा देता हूं। नहीं, ये ना खास करके होते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़े वाले बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसा ही होता है, हर चीज में इंटरप्शन डालना होता है। ध्यान रखें कि आगे से ऐसा ना हो, खास करके हमारी क्लास में। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये सभी चीजें। चलिए, मैं कहां पर था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको कुछ लगता है कि सर ऐसा है या सर आपने ये बता दिया ऐसा नहीं है, सर ऐसा है तो मुझे बताइए, ना हम उस पर डिस्कशन करेंगे क्या सही है क्या गलत है। जो भी चीजें हैं, जितना भी रिक्वायर्ड है आपको उससे ज्यादा बताया जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ एक्स्ट्रा चीजें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल आपको कुछ लग रहा हो सर ये चीज हमने नहीं पढ़ा है, आप बता दो। हो सकता है कि मेरे सिक्वेंस वो बाद में आए, या हो सकता है कि किसी के सीक्वेंस में पहले था, मेरे में बाद आए, मेरे में पहले हो जाए किसी में बाद में आए, तो उस चीज को आप बताएंगे, मगर टॉपिक खत्म होने के बाद पूछिए। जहां सर ऐसा है ये बता दो, ये वाला नहीं, ये नहीं कराए, वो नहीं कराए, ऐसा है या वैसा है, जो भी है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो कहाँ पर थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थे। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इनिशियल टाइम में आपने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, वो ब्रांच जो कि लिविंग थिंग से ऑप्टेन होने वाले कंपाउंड्स की स्टडी करता है, उससे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में क्या माना जाता था?
स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि लिविंग थिंग्स जो है ना, उसमें उससे जो ऑब्टेंड होने वाले कंपाउंड्स है, जिसको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं, उसकी स्पेशल क्वालिटी है। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती है। तो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग लैब में बना सकते हैं? कहता नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग बना सकता है, क्योंकि जो लिविंग थिंग को ऑपरेट कर रहा है, पूरे लिविंग थिंग को, पूरे यूनिवर्स में जो लिविंग थिंग्स हैं उसको ऑपरेट करने के लिए एक वाइटल फोर्स है। इसलिए वो कहते हैं कि वाइटल फोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या नहीं तो ये कहेंगे वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनिक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं व्हाट इज वाइटल फोर्स? तो देखो, हम ये जानते हैं कि जानते नहीं, हम भी मानते हैं कि देयर इज अ गॉड ना, सब मानते हैं कि हाँ कोई ना कोई भगवान है जो कि पूरे नेचर को कंट्रोल करता है, जो कि पूरे नेचर को रेगुलेट करता है ना। सभी लोग मानते हैं कि जो भी चीजें हो रही है, अलग अलग चीजें जो नेचर में, जिन चीजों को हम डिफाइन नहीं कर पाते। बेसिकली रिलीजन कहाँ है? रिलीजन वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर साइंस खत्म हो जाती है। जिन चीजों को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? दैट इज रिलीजन। तो हम क्या दुनिया में सब क्या मान के मानते हैं? ऑलमोस्ट बहुत लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, कि दुनिया में कोई तो एक पावर है, एक हिडन पावर है जो सभी चीजों को रेगुलेट करता है, जो सभी चीजों को रेगुलेट करता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक रेगुलेट करता है। आप एस्ट्रोलॉजर को देखे होंगे, आपके हाथ को देख करके पूरी कहानी बताता है, वो फ्यूचर क्या हो सकता है ये बताता है। तो क्या हम लोग क्या मान के बैठे हैं? हम मान के नहीं बैठे, सब यही मानते हैं कि देयर इज समथिंग, देयर इज अ हिडन पावर जो सभी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। बताओ, ऐसा मानते हो तुम लोग? गॉड में बिलीव करते हो या नहीं? कहता है कि नहीं, हर चीज के पीछे का रीजन है, लॉजिक है, मगर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। अरे क्लियर है बात? यहां तक की बातें समझ रहे हैं, है ना? चलो, तो यहां तक की बातें समझ रहे हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, तो लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए क्या मानते हैं? कि एक फोर्स इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कुछ तो ऐसा है इंटरनल में, बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो आदमी को रेगुलेट करता है, और अचानक से वो जो निकलता है, एक वेव बॉडी से निकलता है और आदमी डेथ हो जाता है। डेथ के बाद क्या है? बॉडी में कुछ वाइब्रेशन नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर वो हिडन एनर्जी नहीं रहती। तो वही कह रहा है कि एक तो वाइटल फोर्स है, एक कोई हिडन फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, और ये हिडन फोर्स को कौन रेगुलेट कर सकता है? दैट इज गॉड। या क्या कह सकते हैं, ये हिडन फोर्स क्या है? गॉड है। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भगवान रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या हो गया? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ऐसा मानना था स्टार्ट में। बात क्लियर है? जो इनिशियल टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कवर हुआ था, उस टाइम लोगों का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग खुद ब खुद नहीं बना सकते, हम लोग खुद ब खुद नहीं बना सकते, इसको कौन बनाता है? तो इसको भगवान बनाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? यस। तो आप नोट करेंगे, आप ये नोट कर लेंगे, आप ये नोट करेंगे, ये नोट नहीं करना है और ये तो बिल्कुल नोट नहीं करना है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। नोट करें और डन रिप्लाई करें, नोट करें और डन रिप्लाई करें। चलिए, सभी लोगों का हो गया क्या? सभी लोगों का हो गया?
सर, नोटेड, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो इनिशियल टाइम में देखो क्या हुआ, लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिया, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग से ड्राइव होते हैं, जितने भी फूड मटेरियल्स हैं ये सारे कुछ, और उनकी स्टडी की, उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से कंपाउंड अवेलेबल हैं, उनका नेम डिफाइन किया, उनका यूज देखा कि क्या क्या यूज है, कहाँ यूज किया जा सकता है। जैसे देखो आपने देखा है मौसमी देखा है, ऑरेंज देखा है, नींबू देखा है, लेमन देखा है, इनमें क्या होता है, विटामिन सी होती है ना, विटामिन सी होती है, स्कॉर्बिक एसिड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। आपको नोट नहीं करना है, अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, जब आपको नोट करने बोला जाएगा, जो नोट करने बोला जाएगा बस वही नोट करेंगे, और कुछ नहीं नोट करना है, ये बस समझने के लिए आप समझिए। तो क्या है, स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड्स लिए, जैसे कि हमने एक लेमन लिया या ऑरेंज ले सकते हैं, क्या उसके अंदर स्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड आपको पता होगा कि अभी कोरोना के टाइम में वाइडली यूज किया जा रहा है, स्कॉर्बिक एसिड सभी ने देखा होगा, कितने लोग तो पहले से ही स्कॉर्बिक एसिड कंज्यूम कर रहे थे ताकि कोविड ना हो। उसी तरीके से टोमेटो है, और भी साइट्रिक फ्रूट्स हैं, उसमें क्या अवेलेबल है, साइट्रिक एसिड अवेलेबल है, मैलिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड अवेलेबल है, मैलिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड देयर कॉम्बिनेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द हार्ट, तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए काफी यूज में आता है ये। साइट्रिक एसिड की एक और खासियत होती है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लोअर करता है, इसलिए भी इसका यूज करते हैं। उसी तरीके से देखो एक पॉपी प्लांट होता है ना, इसको पॉपी प्लांट कहते हैं, पॉपी प्लांट इलीगल इन इंडिया, आप इसको प्लांट नहीं कर सकते इंडिया में। तो इसके स्टेम से, स्टेम में मॉर्फिन होता है ना, इसके स्टेम से मॉर्फिन डिराइव किया जाता है, और मॉर्फिन जो एक ड्रग्स है, जो ड्रग्स के तौर पर, नशे के तौर पर वाइडली यूज भी किया जाता है इंडिया में, मगर ये हमें नशे के तौर पर यूज नहीं करना है, इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो पोस्ट एंड सर्जरी के, पोस्ट एंड प्री पोस्ट सर्जरी में इसका यूज किया जाता है ना, जैसे एनेस्थेसिया देते हैं, या आप ये समझिए ना, मतलब नॉर्मल में मैं बताऊं तो सर्जरी से पहले आदमी को बेहोश किया जाता है, तो उस टाइम मॉर्फिन का यूज किया जाता है ना, ताकि उसका कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाए, ताकि उसे दर्द पता ना चले, है ना। बाकी लोगों को ऑडिबल है क्या, वॉइस इज ब्रेकिंग, पायल वॉइस इज ब्रेकिंग, बाकी लोग बताइए, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरे साइड से, नहीं, नो, एक बार तुम लोग रिकनेक्ट हो जाओ, जिनका भी ब्रेक हो रहा है आप एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ आपका, फटाफट रिकनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑलरेडी यूजिंग अ माइक्रोफोन, जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे कंटिन्यूसली आवाज आ रही है, तो ब्रेक होने वाली कोई बात तो नहीं है, बट स्टिल रिकनेक्ट हो जाइए। चलो हो गया, अभी ऑडिबल है सभी को। चलो तो मैं क्या बता रहा था, पॉपी प्लांट के बारे में बता रहा, तो इसकी जब स्टडी हुई तो क्या मिला, हमें मॉर्फिन मिला, तो इसका भी क्या है, वाइड मेडिकल यूज है, साइट्रिक एसिड मैलिक एसिड वाइड मेडिकल यूजेस हैं, बहुत सारे मेडिसिन में यूज किया जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक को क्या हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसका तो अभी आप देख रहे हैं वाइड यूज है इसका, इसका भी अभी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो ये सारे कंपाउंड्स थे ना, इसमें इनिशियली में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनसे हमने मॉलिक्यूल्स निकाला,
फिर उनका यूजेस देखा कि इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, किसी डिजीज को क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या, किसी हेल्थ इशू को रिकवर करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज आए, बहुत इंडस्ट्रियल चीजें भी आए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी आए। जैसे तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा नील नील क्रांति या नील आंदोलन, पढ़ा है क्या तुम लोग क्लास 10th में? महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन ने पढ़ा होगा नील क्रांति के बारे में। हाँ, तो देखो ये नील का प्लांटेशन है, क्या है, देन नील के फ्लावर्स हैं, है ना, इंडिगो फ्लावर, है ना। यही इंडिगो क्या होता है, डाई के तौर पर यूज करते थे। तो इनिशियल टाइम में आर्टिफिशियली तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि केमिस्ट्री या साइंस उतना डेवलप नहीं था। तो ये इंडिगो के प्लांट से, ये इंडिगो के फ्लावर का यूज करते थे हम लोग डाई के तौर पर। तो क्या होता है, तो इसका जब यूज करते थे ना, तो डाई जब आप बना रहे होते हैं तो क्या होता है, किसे कोई भी क्लॉथ है तो डाई से क्या है उसको कलर करते हैं हम लोग, तो फिर उसका यूज करेंगे। तो ब्लू कलर के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, इंडिगो यूज करते थे। जो कंपाउंड इंडिगो में पाया जाता है वो कंपाउंड कंपाउंड ये वाला है, ये कंपाउंड पाया जाता है। अब देखो एक यूरिया होता है, यूरिया जो है अभी ऑडिबल है, अभी ऑडिबल है क्या? कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, यहाँ पे नेटवर्क चला जाता है, तो नेटवर्क क्या किया जा सकता है, कोरोना और नेटवर्क किसी के कंट्रोल में नहीं है। चलो तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे, यूरिया पे थे। तो यूरिया कहाँ होता है, तो यूरिया यूरिन में अवेलेबल होता है, तो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। तो देखो इंडिगो को वाटर में मिक्स करके क्लॉथ में आप यूज कर सकते हैं, आप अभी भी यूज करते हो, है ना, ये देखो घर पे अभी भी यूज होता है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब डाई के तौर पर यूज करते हैं ना, तो अगर यूरिन को आप, सॉरी यूरिया को अगर आपने मिक्स किया, अगर इंडिगो को यूरिया में मिक्स करके आप क्लॉथ पे अप्लाई करते हैं, कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो यूरिया के वजह से ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब वो कलर लॉन्ग टाइम तक रहेगा, जल्दी फेडेड नहीं होगा, जल्दी फेड नहीं होगा, है ना, जल्दी से वो धूमिल नहीं होता, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, उसकी साइन काफी टाइम तक रहती है। तो यूरिया एक सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है। देखो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका यूज करके हम क्या बनाते थे, डाई बनाते थे, डाई बनाते थे कलर करने के लिए। अब कहते हैं सर यूरिया कहाँ है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये कैसे लेंगे हम, तो उस टाइम जो डाई इंडस्ट्रीज थी वो सिटी टू सिटी यूरिया कलेक्ट करती थी ना, मतलब यूरिन कलेक्ट करती थी, फिर उससे यूरिया को बाहर निकाला जाता था, सेपरेट किया जाता था, फिर उसका डाई में यूज किया जाता था। चलो अच्छा है कि आज के दिन भी, आज के टाइम भी यूरिया सॉल्वेंट के तौर पर यूज तो किया जाता है, मगर वो आर्टिफिशियल है। मतलब ये यूरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिप्योर्ड इन द लैबोरेटरी। तो हमने ये समझा, ये तो बेसिक चीजें समझने वाली चीज है, इसको नोट नहीं करना है ना, ये कहानी है जो आपने समझा, जो आपने सुना। हम यहाँ से देखेंगे कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो रहा है ना। तो बस ये आपके समझने के लिए, आपके लिए इंटरेस्ट के लिए, विशेष इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नोट नहीं करना है। तो चलो, तो हमने ये समझा कि यूरिया क्या है, कहाँ पर अवेलेबल है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो मुझे पता है। अभी देखो एक साइंटिस्ट है, एक जर्मन साइंटिस्ट है, वुलर करके साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहे थे, एक दिन लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे थे और अमोनियम साइनेट का टेस्ट हो रहा था, अमोनियम साइनेट को वो हिट कर रहे थे, है ना, यहाँ डाल करके टेस्ट ट्यूब में डाल करके वो इन पे हिटिंग कर रहे थे। तो क्या हो गया, जो हिट होते होते वो कुछ और प्रिपेयर करना चाह रहे थे, और सडनली एक कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड बनता है। जब इस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई, तो
सारी प्रॉपर्टीज किससे मिल गई? यूरिया से मिल गई, यूरिया से सारा प्रॉपर्टी मिल रहा है। यूरिया कहाँ अवेलेबल होता है? यूरिन में अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। मगर हमने थियरी क्या पढ़ा था? वाइटल फोर्स थियरी क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन बना सकता है? भगवान बना सकते हैं। तो ओनली भगवान रिस्पॉन्सिबल है, ओनली एन हिडन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसको लैब में प्रिपेयर कर दिया। अब ऐसे कंडीशन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये भगवान है या नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन रॉन्ग है। बताइए यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? चल क्लियर है, ओके। तो अब क्या करेंगे बताओ, तुम लोग क्या चूज करोगे? क्या इनको भगवान मानोगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन चेंज करोगे? बताओ तुम ही लोग बताओ क्या मानोगे। पहला कंडीशन दिया आपको कि इनको भगवान मान लीजिए, ये ए हो गए, चेंज द डेफिनेशन। यही बेसिक सी बात है, कुछ भी कर लेंगे हम लोग मगर भगवान चेंज नहीं कर सकते। भगवान जो है वही है ना, बाकी सब चेंज हो सकता है। तो बस उतना सही काम किया उन्होंने भी, कहा नहीं हम इनको भगवान नहीं मानने वाले भाई, चेंज कर दो डेफिनेशन, चेंज कर दो। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन चेंज किया, और करेक्ट डेफिनेशन ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बाइड, CO3-2, कार्बाइड। इसको कार्बाइड बोलते हैं, कार्बाइड। तो अब आप इसका डेफिनेशन नोट कीजिए, अब आप इसका डेफिनेशन नोट कीजिए, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यही मैं कह रहा था कि थोड़ा वेट कीजिए, है ना, आपको मैं यहां तक लेकर के आऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, है ना। सीधा हम टावर पे चढ़ जाएंगे, टावर के टॉप पे सीधा चढ़ जाएंगे, अब बेस बनाएंगे ही नहीं तो ऊपर से फिर सीधा नीचे ही गिरने वाले हैं, इसलिए एक एक सीढ़ी करके चलेंगे, आराम से चलेंगे। नहीं, पीछे वाली चीजें जो है ना बेटा, ये नोट नहीं करना है, ये तो बस आपको समझने के लिए बताया क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हिस्ट्री से सवाल नहीं आते ना, पूछेगा क्या वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल पूछेगा, रिएक्शंस पूछेंगे, तो ये सब नहीं आएंगे ना, ये सब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए, आपको अच्छा लगे इसलिए दिया गया है, समझ गए? एक्सेप्ट CO, CO2 एंड कार्बाइड, CO3-2, दैट इज कार्बाइड, CO3, वो वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? प्रीवियस स्लाइड की बात कर रहे हो आप, प्रीवियस स्लाइड की बात कर रहे हैं आप, जो आपने हाँ ऐड किया है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो लिखना ही है, लिखना ही है ना, इसलिए तो ऐड किया है, एक्सेप्ट CO, CO2 एंड कार्बाइड, समझ ला। इन तीनों को हम लोग इनऑर्गेनिक में रखते हैं, बाकी सभी को हम लोग ऑर्गेनिक में रखते हैं। डन हो गए सभी के? अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ 10th क्लास की चीजें फिर से आएंगी आपके पास, जो आपको आना चाहिए। तो आपको पता है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सभी लोग जानते हैं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, बताइए व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, सभी लोग जानते हैं?
यस, सभी लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए तो ये टेबल नोट कर ले, ये टेबल फटाफट नोट कर ले। हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का ही एक स्पेशल केस होता है एरोमेटिक, इसलिए हमने तीनों को अलग कर दिया। यहाँ हाइड्रोकार्बन को तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है हाइड्रोकार्बन का? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लिया हाइड्रोकार्बन का। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तीन पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एरोमेटिक। सैचुरेटेड में अल्केन आते हैं, सब जानता है। अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइन आते हैं, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक में ना, एरोमेटिक को हम लोग एरेंस भी कहते हैं, इसमें आपको बस एक नेम याद रखना है, बेंजीन। अभी के लिए आपको बस एक नेम याद रखना है, बेंजीन, और इसी को बेंजीन कहते हैं। क्लास 10th में भी आपका बेंजीन दे रखा है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, यही बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो इन सभी जगहों पे क्या है, एच है, तो आप चेक करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी मैच कर जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। नोटेड, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में इनिशियली क्लासिफाई किया। पहला क्या हो गया, असाइक्लिक, ओपन चेन, मतलब इस टाइप का, ओपन चेन मतलब CH3। जल्दी करो। चलिए तो क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया का, तो कौन कौन से, एक जिसमें कार्बन का ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है, दोनों एंड फ्री है ना, तो ओपन चेन हो गया। दूसरा क्या बोला, साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब ये वाला हो सकता है, कार्बन 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 कार्बन, तो ये साइक्लिक चेन हो गए, तो ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन। अच्छा साइक्लिक चेन को देखो, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो तुम लोग एक ये नोट करने से पहले एक डेफिनेशन नोट करो, हेट्रो एटम, हेट्रो एटम, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हेट्रो एटम, आर कॉल्ड हेट्रो एटम।
आर कॉल्ड हेट्रो एटम। लिख लिया, लिख लिया है। यस सर, ठीक। चलिए, ओ सॉरी। तो हमने देखा यहां पर साइक्लिक में दो टाइप के साइक्लिक आ गए, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का होगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया? कार्बन के साथ साथ, कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ साथ कोई हेट्रो एटम अगर अवेलेबल हो जाए तो क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। जैसे होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। देखिए वहां पर कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। मतलब जो एरोमेटिक नहीं है उसको एलिफेटिक बोलेंगे। एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक, याद रखो एलिसाइक्लिक ओपन चेन। सॉरी एलिफेटिक नहीं, एलिसाइक्लिक कह रहे हैं। एलिफेटिक तो ये होता, सॉरी एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक इज द सेम थिंग। अलिसाइक्लिक कंपाउंड, असाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक, असाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये दोनों ही क्या है? अलग अलग है। तो एलिसाइक्लिक क्या हो गया? एलिसाइक्लिक जो है मतलब दैट इज टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक, है ना, जिसमें क्या है, साइक्लिक कार्बन के कंपाउंड होना चाहिए। एरोमेटिक एक स्पेशल क्वालिटी है, इसको हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना याद रखते हैं एरोमेटिक में दो टाइप के रहते हैं, एक बेंजोनाइट जिसमें कि बेंजीन अवेलेबल रहेगा, एक नॉन बेंजोनाइट जिसमें कि बेंजीन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये पोर्शन जो है, ये बेंजोनाइट एंड नॉन बेंजोनाइट, इसको आपको याद रखने। अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, वहीं पे हम बेंजीन पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए उसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक में देखेंगे, तो यहां पे क्या आ गया? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन सा हो गया? जो एरोमेटिक नहीं है। एलिसाइक्लिक को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक आर कॉल्ड अलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एरोमेटिक को बताया ही, इसका एक स्पेशली रूल है फाइंड आउट करने का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन किन क्लास में क्लासिफाई किया। तो आंख बंद कीजिए, एक बार फटाफट रिकैप कीजिए, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक साइड साइक्लिक, दूसरे साइड असाइक्लिक। क्या है? असाइक्लिक एंड साइक्लिक। अभी साइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन, और साइक्लिक का भी फर्दर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन तो ये ऐसा हो गया, ब्रांच चेन कैसा हो जाएगा? ब्रांच चेन में हो जाएगा बीच बीच में और एक दो कार्बन लग जाए, इधर एक कार्बन लग जाए, तो दीज आर ब्रांच चेन, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट, फटाफट आंख बंद करो, तुरंत से ये रिकैप करो। एक तरफ असाइक्लिक, एक तरफ साइक्लिक। असाइक्लिक के दो ओपन चेन, सॉरी स्ट्रेट और ब्रांच। साइक्लिक के दो होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में दो एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब होमोसाइक्लिक में जो था, एरोमेटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया, बेंजोनाइट एंड नॉन बेंजोनाइट। क्लियर है सभी को? बताओ क्या सभी को क्लियर है ये? क्या सभी को क्लियर है ये? यस। चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए। देखिए नोट करने के लिए आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा, तो आप पहले समझिए फिर आप नोट कीजिए, है ना। तुम लोग लेटेस्ट बच्चों में से हो ना, एकेडमी के लेटेस्ट बच्चों में से हो, है ना, सबसे न्यू।
अच्छा इसमें से बात, अच्छा पहले नोट कर लो फिर बताना। नोटेड, बाकी लोगों को नोट करने दीजिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से बारामती का कोई है क्या? बारामती का, जो प्रॉपर बारामती में रहता हो, बारामती सिटी का, यशवंत, रंजीत। अच्छा चलो, तो चार लोग इसमें भी, दो लोग ही हैं जो बारामती के हैं, बाकी सभी लोग आउटसाइड बारामती हैं। चलो फिर तो सही है, ज्यादा लोग नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब कुछ फॉर्मूला को देखें, तो सबसे पहले लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तुम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना अभी? मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, सरवेट लो। डन, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी कुछ डेफिनेशंस नोट करने हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप लोग फिजिकल में केमिस्ट्री पार्ट वन में मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। यस, मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। चलो बहुत अच्छा है, तुम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, है ना? चलिए बहुत अच्छे। तो मोल कंसेप्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, किसी भी कंपाउंड का मास दिया होता है, परसेंटेज बता देते हैं कि कार्बन इतना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है। तो फिर हमें पूछा जाता है बताओ फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप के सवाल किया है क्या तुम लोगों ने? अच्छा अभी तो शायद चालू ही हुआ है ना तुम लोगों का, 1 वीक हुआ है, ये सब हुआ है क्या? नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं होगा। अच्छा मॉलिकुलर फॉर्मूला तो आप समझते होंगे ना, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या कहता है? ये हमें किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम हैं, बस इतना इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, C6H12O6, बताओ तो ये किसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है? बताओ ये किसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है? शुगर है, ये ग्लूकोज है। शुगर का क्या होता है? C12H22O11। ठीक, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज भाई साहब आ गए। चल तो इस मॉलिक, इस फॉर्मूला को देखोगे तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? कार्बन एटम,
है। हाँ, उसमें था ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक, हाइड्रोजन 12 एटम और ऑक्सीजन 6 एटम, यही होता है ना, यही यही इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही इंफॉर्मेशन दे रहा है, बताओ यही दे रहा है। उसी तरीके से लिखे हम लोग C6H6, किसका है ये, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम एक्चुअल में प्रेजेंट हैं, उसका इंफॉर्मेशन कौन देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है। पहले समझ लो फिर नोट करना। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब देखो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना, हमारे किसी यूज का नहीं है, लैब में यूज किया जाता है इसका ना, लैब में किसी भी अननोन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं, और हमारे किसी काम का नहीं है, मगर होता क्या है उसको हम समझ लेंगे। इम्पेरिकल फॉर्मूला इट रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो किस रेशियो में अवेलेबल हैं उसको बताता है। जैसे ग्लूकोज देखो, अगर मैं इसको लिखूं C H12O6, तो ये क्या हो गया इसका, ओ सॉरी O6 नहीं, तो ये क्या हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, जो कि सिंपल रेशियो को प्रेजेंट करता है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। तो ये सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला बोल रहे हैं। जैसे इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला पूछेगा क्या लिखोगे, CNH, मतलब C1H1 तो नहीं कह सकते, C1H1, C2H2 भी हो सकता है, C6H6 भी होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, इम्पेरिकल फॉर्मूला ये है। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करता है, बस सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना सा काम है और कुछ भी काम नहीं है। हाँ, इसका यूज हमें नहीं है, इसका यूज आपको लैब में मिलेगा। अगर आप कल को PhD करते हैं तो लैब में आप देखेंगे किसी भी अननोन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए इस मेथड का यूज करना पड़ता है। क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है। चलिए तो फटाफट, अच्छा जनरल फॉर्म, चलो इन दोनों को नोट कर लो पहले, इन दोनों को नोट कर लो पहले, फिर देखते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम का रेशियो क्या, सिंपल रेशियो किस रेशियो में अवेलेबल है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ग्लूकोज में देखो, हाइड्रोजन और कार्बन 1:2 के रेशियो में है ना, तो 1:2 के रेशियो में लिख दिया। ऑक्सीजन और कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी क्या है, 2:1 के रेशियो में है, तो ये 2:1 का रेशियो हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, 1:1 के रेशियो में है, तो 1:1 के रेशियो में आ गए। तो ये क्या है, सिंपल रेशियो है, मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है उसका जो सिंपल रेशियो है, मतलब मॉलिकुल्स में जो एटम अवेलेबल है वो किस सिंपल रेशियो में अवेलेबल है उसको रिप्रेजेंट करता है इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी क्लियर, अभी क्लियर है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको और रिप्लाई कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला पे। जनरल फॉर्मूला समझो, तुमने क्लास 10th में ही जनरल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा होगा। अल्केन आपने पढ़ा है ना, अल्केन, अल्केन में क्या हो गया हमारे पास, CH4 है ना, ये अल्केन है, मॉलिकुलर फॉर्मूला अल्केन का।
और आपको याद होगा कि आप इसको ऐसे लिखते थे, सी एन एच टू एन प्लस टू ना, एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ये आ जाएगा, एन इक्वल टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी टू एच सिक्स। मगर ये क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला, ये इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एन इक्वल टू थ्री लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, सी थ्री एच एट आ जाएगा, सी थ्री एच एट आ जाएगा। तो क्या कहते हैं हम लोग, क्या कह रखे हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या है, जो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करते। तो ये फॉर्मूला क्या है, पूरे अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है ये फॉर्मूला, और अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है ये फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, यो फॉर्मूला है जो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर दे। अगर हमने कार्बन को वेरी किया या नंबर को वेरी करते जाए, तो उस फैमिली से बिलोंग करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स को अगर वो रिप्रेजेंट कर सकता है, देन इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। क्लियर है, बताइए सभी लोग, क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कौन सा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसको कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जहां पे सारे एटम को हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे ये वाला देखो, अब देखो एक दो तीन चार पांच छ, सॉरी एक दो तीन चार पांच, तो सी फाइव है, सॉरी सॉरी सी फाइव एच ट्वेल्व। तो ये क्या हो गया, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया, उसको पूरे एक्सपेंड करके लिख दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सी एच थ्री या सी एच टू, यहाँ पर सी एच टू, यहाँ पर सी एच टू, और यहाँ पर सी एच थ्री, वो सेम रिप्रेजेंटेशन, वही रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला। इसी कंडेंस फॉर्मूला में देखो, सी एच टू सी एच टू सी एच टू तीन बार आया ना, इसलिए इसको क्या कर दिया इन्होंने, इसलिए इन्होंने क्या कर, थ्री टाइम्स सी एच टू को लिख दिया है, दैट इज कंडेंस फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और दूसरे को कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए फटाफट यहां तक नोट कीजिए, लाइन डायग्राम में 15-20 मिनट टाइम लगेगा, तो ये तो कल ही अब करेंगे, पहले आप इन दोनों को नोट कर लीजिए।
चलो फिर तो आज की क्लास यहीं बंद करेंगे, बचा हुआ कल करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू टुमारो। अरे समझ में आया ना, जो पढ़ाया है वो समझ में आया है ना? अच्छा लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? अच्छा चलो ठीक है फिर। ओके थैंक यू।